नमस्कार, मैं स्वाति दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हो आपके बीच लेकर एक ऐसी खबर जो प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। एक पत्रकार जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वह अगर दूसरे के लिए आवाज उठाता है तो आखिर प्रशासन उसका साथ क्यों नहीं दे पा रहा है? प्रशासन इससे पीछे क्यों हट रहा है? हम बात कर रहे एक रिक्शा चालक की जो मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी मदद नहीं की गई। जी हाँ, आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां कल शाम 4 बजे के लगभग एक रिक्शा चालक अपने रिक्शा में सवारी को बिठाकर ले जा रहा था। तभी मैदागिन के पास अग्रसेन पीजी कॉलेज के सामने एक एपी मेडिको होलसेल मेडिकल की दुकान थी, जहां काफी मात्रा में जाम लगी थी, जिसकी वजह से वे रिक्शा चालक आगे नहीं जा पा रहा था। तो उसने एपी मेडिको होलसेल दुकान के सामने रोक दिया। तभी उस दुकान से एक कर्मचारी बाहर आया और उस रिक्शा चालक को बहुत मारा और उसके साथ गाली गलौज भी किया और रिक्शा चालक के रिक्शा के टायर की हवा भी निकाल दी। उसके बाद जब दो रिपोर्टर वहां पहुंची और पूछा कि क्या हुआ, तो वे एक महिला रिपोर्टर थी जिसे एपी मेडिको होलसेल दुकान के मालिक और कर्मचारी ने महिला रिपोर्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। जब महिला रिपोर्टर पुलिस प्रशासन को बुलाई तो प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया और जिसकी वजह से महिला रिपोर्टर को प्रशासन से मदद ना मिलने की वजह से उसे निराश होकर घर वापस लौट जाना पड़ा। क्या यही मोदी जी और योगी जी का प्रशासन है, जहां एक महिला रिपोर्टर की सुनवाई के लिए आवाज उठा रही थी और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही थी, पर महिला रिपोर्टर की कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए रीचा शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ऋचा शुक्ला, फास्ट इंडिया। मैं उपस्थित हूँ यहाँ काशी की पीजी अग्रसेन पीजी कॉलेज के समीप। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ एपी पैडिको होलसेल मेडिसिन सेलर जो कि यहाँ एक शॉप है, और यही के एक कर्मचारी ने एक गरीब रिक्शे वाले को बहुत परेशान किया, जो कि हम लोगों ने आंखें देखी। जो कि मोदी जी कहते हैं कि गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा, गरीब को सारी सहायता मिलेगी, किसी भी तरह कोई कष्ट नहीं मिलेगा,
तो हम यहाँ मौजूद है, समर्थक जो यहाँ पर देख रहे हैं उन्होंने आगे देखिए देखा है कि किस तरीके का परेशान किया है, तो आपको हम बताएंगे उनके मुख द्वारा सुनाएंगे आपको कैसे उसका परेशान किया। देखा आप लोगों ने जाना सब शुक्ला नाम था। अभी हमारी बात हो रही थी अजीत सिंह जी से, जिन्होंने बताया कि रोड जो है सरकार की है, ना कि किसी मेडिकल वाले की, क्योंकि यहाँ पे सब आम जनता चल सकती है, अपने वाहन खड़े कर सकती है और अपने हक से यहाँ रह सकती है। साथ देख सकते हैं अभी जब हमने उन लोगों को बुलाया, हमने कहा कि आप यहाँ आके माफी मांगिए, माफी बोलिए, तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि वो कस्टमर था, उन्होंने बोल दिया वो यहाँ का एम्प्लॉय है, हमने वीडियो भी बनाया है उसका, किस तरीके से उसने बदतमीजी की हम लोगों के साथ। और इसके बाद अभी उन लोगों के समर्थक बोलते हैं कि वो जो है कस्टमर था, वो नहीं है यहाँ पे, जा चुका है। तो आप देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ, अभी हम आपको और भी जानकारी देंगे इसके साथ। बने रहिए, मैं नमस्कार।